कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, नए रेसिपी के साथ। तो चलिए आज हम दिखाते हैं कि आज हम क्या चटपटे बनाने वाले हैं। अगर आपको लगी हो जोरों की भूख और समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो तो ये फटाफट रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल झंझट नहीं है इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डोसे का आटा पहले ही तैयार करके रखा था। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप चाहे तो इसे पोहा या दही के साथ भी पेस्ट बना सकते हैं इसका, या फिर रवा दही मिक्सर में पीस के उसे भी आप पेस्ट बना सकते हैं। तो पेस्ट बनाना बहुत ही आसान है, अगर आप चाहें तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। डोसे के आटे को मैं फ्रिज में स्टोर करके रखी थी, इसलिए इसको अच्छे से फेंट रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है, इसे मैं बॉईल कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो इससे भी और ज़्यादा ले सकते हैं, जितना आप चाहें उतना आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ही बना रही हूँ, एक ही आलू का। तो देखिए इसे इस तरह से जो कांटे वाला चम्मच होता है इससे आसानी पड़ता है, तो इससे हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। दोस्तों सेजवान पनीर डोसा यकीन मानिए इतना टेस्टी, इतना चटपटा लगता है खाने में कि अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो आपके घर वाले आपसे बार बार यही बनाने को बोलेंगे। सच में ये बहुत ही टेस्टी है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो यहाँ पर मैंने देखिए आलू को अच्छे से मैश कर लिया है एकदम बारीक। तो देखिए यहाँ पे मैंने चार हरी मिर्च ली है, यहाँ पे मैंने बारीक हरी धनिया काट लिया है, यहाँ पे मीडियम साइज में एक मैंने टमाटर लिया है, आप चाहें तो इसे बड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसे बारीक बारीक काटूंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा छोटा ही टुकड़ा इसका काटना है। यहाँ पे मैं टमाटर को भी काट लूँगी और जो हरी मिर्च हमने लिए है उसको भी मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट लूँगी। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो में पूरे बने रहिए, आगे दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पनीर का टुकड़ा लिया था, उसे भी मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। देखिए इस तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है पनीर को। तो यहाँ पे आलू मैंने जो मैश करके रखा है इसमें मैं हरी मिर्च डालूँगी जो काट लिया था मैं पहले ही। तो देखिए अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप और भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने हरी धनिया जो काट के रखा था उसको भी मिला लूँगी, और आधा छोटा चम्मच हमने देखिए नमक डाल दिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, ज़्यादा मत डालिए क्योंकि जो हम डोसा बनाएंगे उसमें भी हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने गरम मसाला डाल लिया है, ज़्यादा ही नहीं डालना है, बस थोड़ा ही डालना है। अब हम इसे अच्छे से हाथ से मिला लेंगे इस तरह से, देखिए दोस्तों अच्छे से मिला लेना है हमें। अब जो हमने डोसे का आटा रखा है इसमें हम हरी धनिया जो काट के रखा है इसमें मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें हरी धनिया ना डालें क्योंकि जब हम डोसा बनाएंगे तो हम ऊपर से डाल सकते हैं, ना डालिए तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं डाली थी तो डोसा थोड़ा थोड़ा फट गया था, इसके लिए नहीं डालना। हमने इसे अच्छे से मिला लिया, हमने गैस पे तवा रख दिया है गरम करने के लिए, ज़्यादा नहीं हल्का ही गरम हो तो हमें डोसे के आटे को अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों इस तरह से पहले हमें थोड़ा ही रखना है ताकि पतला बने, अगर ज़्यादा आप डाल देंगे तो मोटा हो जाएगा तो शायद अच्छे से ना बने। इस तरह से हमें हाथों को इस तरह से घुमाना है, पहले हमें गैस का फ्लेम कम ही रखना है, थोड़ा हो जाने पे। तो देखिए दोस्तों डोसे के आटे में हमने धनिया डाल दिया था इसलिए ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे डोसा थोड़ा हो गया है, इसके ऊपर हम सेजवान चटनी इस तरह से अप्लाई करेंगे, आप चाहे तो जितना चाहे उतना अप्लाई कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेढ़ चम्मच ही अप्लाई किया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो मसाला तैयार किया था उसको इसके ऊपर हम लगाएँगे, देखिए आराम आराम से लगाना है हल्के हाथों से ताकि डोसा हमारा टूटे ना। आप चाहे तो इससे भी तीखा चाहते हैं तो आप हरी धनिया हरी चटनी भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने मसाले को अप्लाई कर लिया है, अब हम जो टमाटर के टुकड़े को रखा था काट के उसको भी इस तरह से हमें रख लेना है।
पूरे डोसे पे इस तरह से हमें रखना है। इसी तरह हम सभी को अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, देखने में कितना यम्मी लग रहा है, यकीन मानिए बनने के बाद भी उतना ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार बनाएंगे तो हफ्ते में 2-3 बार इसे बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये इतना चटपटी है कि इसे हर कोई खाना चाहेगा। तो इस तरह से हमने धनिया को भी ऊपर से डाल लिया है। यहाँ पे मैंने जो पनीर का टुकड़ा कद्दूकस करके रखा था उसे भी इस तरह से हम डाल लेंगे पूरे डोसे पे। दोस्तों अगर आप चाहें तो पनीर की जगह चीज़ भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे मुझे पनीर खाना था तो इसके लिए, मेरे हस्बैंड को भी पनीर ही पसंद है, इसके लिए मैं यहाँ पे पनीर ही डाली थी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ भी डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा है। तो इस तरह हम दोनों तरफ से पलट लेंगे, पहले इस तरह से आराम से हम करेंगे और उधर से भी हम आराम से कर लेंगे दोनों तरफ से। देखिए दोस्तों, इस तरह से आराम से करना है ताकि टूटे ना। दोस्तों इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा है, इतना टेस्टी है कि आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी चटपटी है। तो दोस्तों यहाँ पे सेजवान पनीर डोसा बनके रेडी है। देखिए दोस्तों कितना चटपटा लग रहा है देखने में। दोस्तों इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।